चाहिए। अगर मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैं जब पढ़ाई करता था, पढ़ाई मेरी पूरी होगी, पहला नंबर आया तो मुझे कंपनी के बहुत कॉल आने लगे, मैं उस कॉल को फाड़ के फेंकता था। मैंने कहा नहीं, मुझे क्योंकि कॉल वहां आते थे जहां कोई क्षेत्र वगैरह नहीं, तो मैंने क्या किया, मुरली सुनने के लिए नौकरी नहीं पकड़ी। इतना ही नहीं, एक जगह पर नौकरी पकड़ी, लेकिन उसने कहा मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे तक, जबकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसे की जरूरत थी। तो मैंने सोचा 7 बजे आओ, 7 बजे जाओ, मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं 9 बजे आऊंगा, 7 या रात को 9 बजे जाऊंगा, केवल 100 रुपए दे। वो डॉक्टर तो देखने लगा मेरे को, ऊपर नीचे हॉस्पिटल में सर्विस लग रही थी, कह रहे आपको मैं 9000 रुपए दे रहा हूँ, मेरा खर्चा ही नहीं, इतना नहीं चाहिए। तो कहते आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ। तो मैं क्या करता था, बराबर मुरली सुन करके जाता था और शाम को 9 बजे जाता था, 9 से लेकर के रात को 8 बजे तक काम करता था दिल से। उस दिन तो देखा डॉक्टर ने, देखा ये तो 100 रुपए में इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरे को कहता है तुम्हारे जैसे और लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा देखता हूँ, तो ये कुमार पीड़िता उसको भी नौकरी लग गई। तो कुछ समय के बाद डॉक्टर कहता है मेरे पास आप कोई आश्रम में जाते हैं, मैंने कहा हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे सेंटर को कोई हमारा कोई मकान चाहिए तो पूछो पूछो। तो मैंने वो पूछा, वो फ्री में मकान दिया, 3 मंजिल का मकान फ्री में दिया। बाबा ने कितना वसूल किया, यह है मुरली की लगन। इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना, वो मुरली जो मिस नहीं करेगा उसको हर जगह पर प्रॉब्लम ही नजर आएगी।